रंग बिरंगे पौधे लगाना, उनको निहारना और रोज़ नए नए पौधों का कलेक्शन बढ़ाते रहना भला किसे पसंद नहीं है। दोस्तों मुझे तो बहुत पसंद है। और यहाँ है ये किचन का डोर, किचन के आगे है एक छोटा सा आंगन जो थोड़ा पुराना है, लेकिन मैंने उसे पूरी तरीके से हरे भरे पौधों से भर दिया है क्योंकि मुझे बहुत पसंद है हरियाली। और हरियाली के साथ यदि रंग बिरंगे पौधे हों तो और क्या बात है। तो यहाँ पे मेरा ये चेयर एक कप सुबह चाय के साथ पौधों के साथ बीतता है और मैं चाय पीते हुए अपने पौधों को देखते हुए अपने दिन भर की शुरुआत करती हूँ। और यहाँ देखिए मनी प्लांट जो बहुत अच्छा ग्रोथ दे रहा है। ये बहुत पुराना मनी प्लांट है, ये आज से नहीं लगा है, मेरे ख्याल से ये दोस्तों 30-35 साल पुराना मनी प्लांट है। और यहाँ देखिए मेरे DIY प्लांटर्स जहाँ स्पाइडर प्लांट्स लगे हैं और चारों ओर मेरे आंगन में आप ढेरों हरियाली पाएंगे। ये हरियाली हमें ऊर्जा देती है, हमारे आसपास के वातावरण को जो अशुद्ध वातावरण है उनको शुद्ध करती है। और सच में दोस्तों मैं बताऊँगी कि ये जो रंग बिरंग प्यारे प्यारे जो पौधे आप देख रहे हैं ये मेरे को कोरोना टाइम में बहुत हेल्पफुल रहे। मेरा ये किचन है, किचन के अंदर भी मैं बहुत पौधे कभी कभी लगा देती हूँ। आप मेरा किचन टूर देखिएगा, आप समझ जाएंगे कि मैं पौधों की कितनी दीवानी हूँ। यहाँ भी देखिए मल्टी कलर्स पौधे हैं और जल्दी मैं एक वीडियो लेकर आ रही हूँ कि कौन कौन से मल्टी कलर्स पौधे हैं जिनको आप लगा के अपने आंगन में अपने बगिया में हरियाली ला सकते हैं। तो ये थोड़ा पुराना सा आंगन है लेकिन मैंने हरे भरे पौधे लगाकर अपने आंगन को खूब शुद्ध वायु के साथ खूबसूरत बना दिया है, हरियाली ला दी है। और यहाँ है मेरी तुलसी माता जिनके आशीर्वाद के साथ मैं अपने काम की शुरुआत करती हूँ, दिन भर की शुरुआत करती हूँ दोस्तों। तो आज मेरा टॉपिक है कोलियस प्लांट की देखभाल कैसे करें। वेलकम टू माय चैनल शीतीज नॉलेज किंगडम। हाय व्यूअर्स, आज मैं आपको लेकर आई हूँ अपने छोटे से गार्डन में। यहाँ पर मेरा किचन का डोर आप देख रहे हैं, किचन का ये नेट डोर है। और इस समय मेरे आंगन में बहुत हरियाली, चारों ओर ग्रीनरी ही ग्रीनरी आ गई है और बहुत अच्छा लगता है मुझे तब मॉर्निंग में अपने किचन के बाहर यहाँ पे टाइम स्पेंड करना। मैं अपने पौधों को यहाँ निहारती हूँ, इनसे बहुत पॉजिटिव वाइब्स में लेती हूँ और फुल एनर्जी के साथ मैं अपने मॉर्निंग के टाइम शेड्यूल को फास्ट से काम करते हुए अपने शेड्यूल को आगे बढ़ाती हूँ। आप जैसा कि देख रहे हैं चारों ओर मेरे प्लांट्स ही प्लांट्स हैं। और आप देखिए यहाँ पे पूरा काफ़ी पुराना ये एरिया थोड़ा सा है क्योंकि यहाँ पानी वगैरह बहुत तेज़ी से यहाँ बहता है। तो देखिए सीढ़ियों में काई लग गई है और यहाँ से बहुत कम हम लोग आना जाना करते हैं। तो हम यहाँ आगे चलते हैं। यहाँ देखिए पूरा अपने आप ये मनी प्लांट ने कवर कर रखा है। और दोस्तों मैं ख़ास तौर पे ये वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि मल्टी शेडेड प्लांट्स हमारे यहाँ इस समय बरसात में बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो कोलियस उसमें सबसे बेस्ट प्लांट है। तो मल्टी शेडेड प्लांट्स के कारण हमारा पौधा, हमारा जो ये आंगन है बिल्कुल इंद्रधनुष के रंगों की तरह कलरफुल हो जाता है। तो दोस्तों आइए पहले मैं आप तो आइए फ्रेंड्स हम लोग पास से देखते हैं कि कौन कौन सा वो कोलियस प्लांट है इसमें जो मेरे किचन के बाहर खूबसूरत सा रंग बिखेर दिया है। और बहुत मुझे अच्छा लगता है फिर जब मेरे किचन के बाहर चारों ओर हरियाली दिखती है। तो फ्रेंड्स यहाँ से मैं शुरुआत करती हूँ। ये एक गमला है, काफ़ी बड़ा गमला है ये जो है मेरा 18 इंच का गमला है, काफ़ी बड़ा गमला है। और इसमें मैंने काफ़ी मिक्स एंड मैच करके प्लांट्स लगाए हैं क्योंकि यहाँ पे हमारे सिटी में बारिश बहुत होती है और बारिश से जो है इसका ग्रोथ इस समय आप देख रहे हैं कि बारिश के सीज़न में कोलियस के प्लांट में बहुत अच्छी ग्रोथ होती है। साथ में ऐसे देखिए फूल इसमें दिखाई पड़ते हैं, देखिए कितना खूबसूरत सा फूल इसमें होता है। तो ये ग्रीन वाले प्लांट में वाइट कोलियस होता है
और ये सिंपल से कटिंग से ही ग्रोथ हो जाता है। आपको बस कुछ नहीं करना फ्रेंड, यहाँ से जैसे आप एक स्टेम लिए और कहीं भी आप किसी गमले में या बगीचे में ऐसे कटिंग सिंपल से लगा दिया आपने 2 इंच नीचे, तो ये आराम से ये कटिंग फिर चल पड़ती है। और देखिए फिर इसका कितना प्यारा लुक हो जाता है। देखिए इसमें मैंने ग्रीन, इसमें देखिए मैंने मैरून, ये देखिए मैरून कलर भी इसमें मैंने लगा दिया है। तो ग्रीन मैरून के साथ इसमें अंदर देखिए सिंगोनियम भी है और यहाँ पे एग्लोनीमा का भी प्लांट है। एग्लोनीमा के देखिए फूल आ रहे हैं। तो ये काफ़ी बड़ा गमला है और देखिए ये पूरा गमला भर गया है कोलियस से, तो आप देखिए। तो दोस्तों आप लोग देख रहे हैं कि कितना अच्छा मेरा, देखिए रात में भी बहुत बारिश हुई है और देखिए अभी भी पत्तों में पानी दिख रहे हैं, खूब रात में बारिश हुई है यहाँ पे। तो बारिश के बाद तो कोलियस में तो जैसे बहार आ जाती है। और रंग बिरंगे कोलियस हैं आपके घर में यदि फूल नहीं हैं, और देखिए यहाँ पे किचन के बाहर सदाबहार मैंने लगा दिया है कि यहाँ से मुझे चढ़ाने के लिए फूल भी मिल जाते हैं और मैं यहाँ से फूल नहीं जा पाती हूँ जब टेरेस पे, तो यहीं से मैं फूल लेकर और भगवान को चढ़ाती हूँ। और देखिए यहाँ बगल में तुलसी माँ है तो यहाँ पे मैं चढ़ा सकती हूँ। तो दोस्तों कोलियस की कटिंग मैंने यहाँ पे भी ग्रो कर दी थी और देखिए कितना बढ़िया ये चल पड़ा है। तो कोलियस बहुत ईजी टू केयर है, ईजी टू मेंटेन है। आपको इसके लिए कुछ नहीं करना है, सिंपल आप यहाँ से, आपके पास कटर नहीं है कोई बात नहीं, यहाँ से देखिए ऐसे सिर्फ नाखून से ऐसे बस तोड़ लीजिए। देखिए ऐसे मैंने कटिंग तोड़ लिया और इसको आप मिट्टी में कहीं भी ऐसे लगा देंगे और ये जो है पकड़ लेगा। तो फ्रेंड्स देखिए जरा सा वहाँ पे डार्क ग्रीन के बीच में मैंने ये कोलियस की कटिंग लगा दी और देखिए इस एरिया का लुक देखिए कितना प्यारा सा लुक हो गया है। तो एक कोलियस देखिए यहाँ पे है, मल्टी शेडेड है, जहाँ पे बहुत प्यारे प्यारे छींटे आपको दिखाई दे रहे हैं, मैरून है, पिंक है, ग्रीन है, लेमन येलो है और कई शेड्स इसमें बन रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए एकदम फूल की तरह, यदि आपके गार्डन में फूल नहीं भी हैं तो कोलियस प्लांट जरूर लगाइएगा क्योंकि ये बहुत ढेर सारे शेड्स में आते हैं। देखा आपने इसकी खूबसूरती, मुझे मालूम है दोस्तों इस खूबसूरत सी प्लांट्स की सुंदर सी जो खूबसूरती है उसको देखकर आप लोग भी दीवाने हो रहे होंगे और क्यों ना हो, ये नेचर का एक अद्भुत करिश्मा ही तो है। ये देखिए कभी बटरफ्लाई लगता है तो कभी ये फूलों सा प्रतीत होता है। तो यदि आपके गार्डन में फूल नहीं हैं तो आप इनको लगाइए और रेनी सीजन में चूँकि बहुत ज़्यादा फूल नहीं ऐसे खिलते हैं तो इस तरह के प्लांट्स को आप लगा के फूलों की कमी को पूरा कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है ये मरून कलर, इसकी भी खूबसूरती को आइए देख लेते हैं। साथ ही दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि इसकी कटिंग लगाई कब जाती है, तो सितंबर के लास्ट और अक्टूबर के बिगनिंग में आप इसकी कटिंग को लगा सकते हैं, प्रोपेगेट कर सकते हैं या तो वाटर में या तो सॉइल में। तो देखा दोस्तों ये कितना प्यारा कलर है इसके, और यहाँ देखिए मल्टी शेडेड मैंने इस गमले में, ये 12 इंच का गमला है, आइए इसको पीछे से देखते हैं, 12 इंच का गमला है और देखिए मैंने कटिंग को मैंने लगा दी थी, यहाँ मैरून कटिंग लगाई थी मैंने और ये भी छोटा सा शेड मैंने लगा दी थी और साथ में मैंने ग्रीन को भी इसमें अटैच कर दिया था। नाउ यू कैन सी ब्यूटी ऑफ कोलियस, सी ब्यूटी ऑफ कोलियस, माइंड ब्लोइंग, बहुत अच्छा लगता है मुझे कोलियस फ्रेंड्स। और ये जो समय है बरसात के समय में तो कोलियस का क्या कहना, तो आइए इसके सनलाइट की बात कर लेते हैं। तो कोलियस को बहुत सनलाइट बिल्कुल नहीं पसंद है, बिल्कुल मैं सेमी शेड में रखती हूँ। मेरे जो किचन के बाहर जो है यहाँ पे आप देख रहे हैं हल्का सा धूप आता है यहाँ पे सामने और इसी सेमी शेड में मेरे कोलियस देखिए कितने खूबसूरत हो गए हैं, कितना प्यारा लुक हो गया है। और आप भी कोलियस की एक कटिंग कहीं से भी ले आइए और आप अपने गार्डन को खूब हरा भरा कर सकते हैं। तो दोस्तों ये देखिए कितना प्यारा से इसके सेंटर में पिंक लाइन आ रही है, ग्रीन वाइट और लेमन येलो शेड है। तो ऐसे शेड्स आप भी अपने घर में लाके आप अपने गार्डन की खूबसूरती को बढ़ा सकते हैं।
तो मेरा कोलियस के वाटरिंग यदि हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, तो इसको तो फ्रीक्वेंट वाटर मतलब दिन में 2 टाइम पानी चाहिए। यदि इसको पानी नहीं मिलता है तो जैसे छोटे बच्चे होते हैं कि जरा सा भूख प्यास से वो रोने लगते हैं ना, तो ये भी एकदम एक्सप्रेस करता है अपनी भूख प्यास को। जैसे ही इसको प्यास लगेगी, पानी की कमी हुई, सारे पत्ते रोने लगते हैं, मतलब गिर जाते हैं नीचे, फॉल उसका चला जाता है, सारे पत्ते नीचे झुक जाएंगे और तुरंत वो दुखी हो जाते हैं। इसलिए तुरंत आप उनको पानी प्रोवाइड कीजिए। तो दिन में 2 बार पानी दीजिए पौधों को और तब आपके पत्ते ऐसे खिले खिले से सुंदर से रहेंगे। आपको भी बहुत अच्छा लगेगा प्यारा सा पौधा कोलियस। और वो कॉर्नर में जो प्यारा सा फूलों की तरह आपको एक प्लांट दिख रहा है दोस्तों, वो है कोलियस का रेड और ग्रीन का प्लांट। इसके एजेस ग्रीन होते हैं और बिल्कुल फूलों की तरह रेड कलर का सेंटर में होता है, तो ये बहुत ही सुंदर प्लांट होता है। साथ में मैरून और ब्लैक का जो शेड आ रहा है वो इससे और अट्रैक्शन लग रहा है, फूलों की तरह ये बिल्कुल दिख रहा है। तो कोलियस के बहुत तरह के कलर्स होते हैं और इसको बुशी लुक देने के लिए आप इसकी ट्रिमिंग करते रहिए, इससे ये पूरा गमला भर जाता है और बहुत प्यारा तब इसका लुक हो जाता है। साथ में मैंने इसके पीछे, आप सोच रहे होंगे कि कौन सा वो प्लांट है जो क्लाइंबर की तरह चढ़ा हुआ है, वो गिलोय है। और गिलोय को मैंने थोड़ा सुंदरता के लिए और थोड़ा ज़रूरत के लिए भी मैंने ग्रो किया है दोस्तों। तो कोलियस की बात कर लेते हैं कि कोलियस कितना खूबसूरत प्लांट है, इसको ईजी आप प्रोपोगेट कर सकते हैं और बुशी लुक देने के लिए उसकी ट्रिमिंग करते रहिए टाइम टू टाइम। कोलियस की कटिंग के साथ साथ उसके बीज से भी प्रोपोगेट किया जाता है, फूलों से इसका बीज तैयार हो जाता है। जब फूल सूख जाते हैं तो उसको आप रख लीजिए और मिट्टी में जब आप स्प्रिंग कर देंगे, इस तरह इसको निकाल के सुखा के रख लीजिए और मिट्टी में आप स्प्रिंग कर देंगे, छिड़क देंगे, तो फिर नए नए पौधे बन के तैयार हो जाते हैं। तो इनके बीजों से भी पौधे तैयार हो जाते हैं दोस्तों। और ये तो रहा आज कोलियस की संपूर्ण जानकारी। आपको आज का वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करिए, कमेंट ज़रूर करिए और मेरे चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए जिससे कि नए नए वीडियो की जो जानकारी है आपको समय पे मिल सके। टिल देन फ्रेंड्स, बाय बाय, गो ग्रीन गो सेफ।